हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिक्स की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 7 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आपका लास्ट चैप्टर चैप्टर था नगर प्रशासन, ठीक है। इसमें बात करेंगे हम लोग 8वें चैप्टर के बारे में। इसमें बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। याद रखिए ये 8वां चैप्टर है आपका, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ये आपका पूरे चैप्टर में ग्रामीण क्षेत्र में जो अभी आजीविका है, साधन है मानव के जीवन को चलाने के लिए, जीवन की पूर्ति करने के लिए, है ठीक है, उन्हीं सभी पर केंद्रित रहेगा। ठीक, तो इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। अगर आप एक दो बार पढ़ लेते हैं तो आपको क्लियर मालूम चल जाएगा कि क्या है आजीविका, कौन कौन से क्षेत्र में क्या है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अपना घर चलाने के लिए, अपना परिवार का गुजर बसर करने के लिए क्या आवश्यकताएं होती हैं, वो कहाँ से मिलती हैं, उनके लिए साधन कहाँ से उपलब्ध होते हैं, उन्हीं पर केंद्रित है। ठीक, तो इसमें टेंशन मत लीजिए क्योंकि बहुत ही सिंपल भाषाओं में लिखी है। कक्षा 8वीं तक की एनसीईआरटी बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई है। इसमें कुछ ऐसा नहीं शब्द है जो आपको समझ में ना आए। ठीक, पहले पार्ट में आपने विविधताओं के बारे में नजर डाली थी। इस क्षेत्र में वहां के लोगों के काम धंधों पर असर पड़ता है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वालों के, वहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों, वहां की फसलें या दूसरी चीज किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इस पार्ट में हम देखेंगे। ठीक है, और गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं उन्हें भी देखेंगे। पहले दो पार्टों की तरह यहाँ भी इसकी पड़ताल करेंगे, क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो एक गांव लेते हैं, कलपट्टू गांव, ये तमिलनाडु का है। ठीक, तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं, दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। ठीक है, ये भी एक तरह से आजीविका के ही साधन है। ठीक, कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले हैं और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं भी देते हैं यहाँ के लोग। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है, उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान, दो दुकानें बीज और खाद की भी हैं, 4 दुकानें चाय की हैं, जहाँ टिफिन भी मिलता है। यहाँ टिफिन का मतलब है खाने पानी, खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें, जैसे सुबह इडली, डोसा, उपमा, और शाम को नाश्ते में वड़ा, बोंडा, मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार परिवार रहता है, उसके घर में ही लोहे की चीजें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहां साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में दो परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोगों के पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लोरी चलाने का काम करते हैं। याद रखिए सभी, देखिए, आजीविका चलाने के ही साधन है, क्योंकि अगर कोई लोहारगिरी करके अपना परिवार का आजीविका तो चला रहा है ना, साधन तो जुटा रहा है ना, इससे यही तो है आजीविका या जिंदगी चलाने के, जो भी आपकी जरूरतें हैं उन्हें पूरा करना। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती भी होती है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं यहाँ। ठीक है, वैसे भी आपने भारत में देखा हो कि अधिकतर जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर रहती है भारत की। यहाँ आम और नारियल के काफी बाग हैं, कपास, गन्ना, केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के खेतों में
काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। धान की रुपाई कमर दो काम होता है। ठीक है, ये है कुछ पिक्चर। आगे बात करते हैं लोग तुलसी। हम सब यहाँ रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। उनके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान की खेती है। ये तुलसी है नाम की कोई महिला जो यहाँ रामलिंगम है, इनकी जमीन पर एक खेती करते हैं। मतलब इनकी जमीन से कुछ आजीविका चलाने का ये भी काम कर रहे। शादी से पहले भी ये मायके में धान एवं खेती में ही मजदूर करती थी। यहाँ सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक काम करना पड़ता है। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती हैं। साल में कुछ ही मौके होते हैं जब इन्हें नियमित रूप से मजदूरी मिलती है तुलसी को। यह उन मौकों में से एक है। तुलसी धान रोप रही है। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम इन्हें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएंगे। जब ये कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे इनकी उम्र हो रही है इन्हें झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ होती है। रामलिंगम दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। इनके गांव में, तुलसी के गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मजदूरी के लिए यह यहाँ आती है। रामलिंगम पर इन्हें भरोसा है कि काम होने पर वह इन्हें ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आसपास के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता है। ठीक है, आगे बात करें। इनका पति है जो तुलसी का, रमन है, जो भी मजदूरी करता है वो भी मजदूरी करता है, और इनके पास कोई जमीन नहीं है। साल में इन महीनों में वह खेती में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खानों से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक ले जाए जाते हैं। खेतों में काम करने के अलावा तुलसी घर में काम सारा करती है और ये सबके लिए खाना भी बनाती है, कपड़ा धोती है, सफाई भी करती है। दूसरी औरतों के साथ ये जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हैं। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल जहाँ से पानी लेकर आती हैं। इनका पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मदद करता है। इनकी दो बेटियां हैं और इनके जीवन की खुशी हैं। दोनों स्कूल में जाती हैं, पढ़ती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार हो गई थी इनकी, तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। इन्होंने उनके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए इन्होंने अपनी कार बेचनी पड़ी। पशु इनके पास था गाय, उसे बेचना पड़ा। जैसा कि आप तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावान की लकड़ी लाने, जानवरों चराने में बीतता है। इसी कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में एक काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता इनका। घर चलाने और जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर है। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। कई बार जब पूरे साल में उन्हें काम नहीं मिलता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाके में जाना पड़ता है। इस तरह पलायन का कुछ विशेष मौसमों में हो जाता है। तो याद रखिए, अभी भी गांव में आप जाओगे, आप लोग अगर गांव के हो तो देखा होगा कि आपने की लकड़ी बीनने के लिए घर की औरतें जाती हैं। ये सब आपने ज्यादातर देखा होगा आदिवासी जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं वहां देखा होगा कि उनके पति दूसरे के यहाँ मजदूरी करेंगे या फिर रेत का काम करेंगे, बालू भरने का या पत्थर तोड़ने का, और महिलाएं जो होती हैं ये फसल कटाई के काम करती हैं, लकड़ी बीनती हैं, इस तरह के काम। तो आपको ये सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप क्लियरली समझ गए होंगे। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग
ये क्वेश्चन देख लेना ठीक, अगर समझ में आ गया होगा तो आप ये सभी खोल सॉल्व कर लोगे। अब बात करते हैं शेखर, हमें धान अपने घर लेकर जाना है। ये शेखर वो बता रहे हैं ठीक है, शेखर की कहानी है। इनके परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। इनके पास बस 2 एकड़ जमीन है। ये अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। ये कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद लेते हैं और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देते हैं। आपने देखा हो, ग्रामीण में आप अगर रह रहे हो, फिर से मैं बोलूं, तो ये सभी समझ में आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। क्योंकि आपने देखा हो, जब अगर आपके पड़ोसी की कटाई हो रही तो आप उसकी मदद कर देते हैं, और जब आपकी खेती की फसल की कटाई होती है तो वो आपकी मदद कर देता है। शेखर यही बोल रहा है ठीक है। व्यापारी इन्हें उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़ा कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेच दूं तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इन्हें उधार भी चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा। जिन किसानों ने उधार लिया वे उसी को अपना धान बेचें। इन्हें अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से अपना उधार चुका देंगे और बाकी से घर लाएंगे। कि याद रखिए, आपने बिचौलिए व्यापारी का नाम सुना होगा ठीक है। गांव में किसान क्या करते हैं कि जब इनकी खेती बुवाई होती है, बुवाई, तो ये लोग व्यापारी से उधार लेते हैं, जुताई करवाने के लिए, बुवाई करवाने के लिए, कटाई के लिए, बीज के लिए ठीक है, ये उधार ले लेते हैं। और जब और अगर शादी विवाह हुआ, इन्हें जरूरत हुई, तो ये व्यापारियों से उधार लेते रहते हैं पैसे। जब इनकी फसल होती है तो उसी व्यापारी को देते हैं। और ये इन्हें देखा है कि ये बहुत जवान के पक्के होते हैं, ये उसी व्यापारी को देंगे जिससे इन्होंने उधार लिया। और इन्हें बाकी व्यापारी ज़्यादा भी पैसे दे रहे हैं, फिर भी कम वाले को अपने ही को देंगे जैसे तय कर रखा है ठीक है, क्योंकि वही काम में आएगा कभी अगर इन्हें पैसे की जरूरत पड़े। लेकिन इनके हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए इन्हें पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए रामलिंगम की चावल की मिल में काम करते हैं। ये धान देखिए, मशीन निकालने वाली काम करती है। वहां एक पड़ोसी गांव किसान से धान इकट्ठा करने में उनकी मदद करता है। पास एक संकर गाय भी है इनके, उसका दूध हम यह सरकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। अब बात करते हैं कर्ज लेने। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है, कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं उन्हीं व्यापारियों से या बिचौलियों से। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लेते हैं ठीक है। एक क्वेश्चन है शेखर से संबंधित, देख लेना ठीक है, हो जाएंगे सॉल्व आपसे, बहुत ही सरल है। साहूकार से कर्ज लेते हैं, अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते तो होते या फसल की को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले पर उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब जा गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बना हुआ है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर ली। जैसा कि आपने न्यूज में पढ़ते ही रहते होंगे, कई जगह आपने सुना होगा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो उनकी भी मजबूरी है यही ठीक। अब बात करते हैं रामलिंगम और करूथम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया, थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया। पिकलपट्टू और आसपास के गांव से ये धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है, इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है।
बात करते हैं भारत के खेतिहर मजदूर और किसानों के बारे में। कलपट्टू में गांव में तुलसी की तरह खेतिहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान भी हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के लिए हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों में पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े भी हैं। जैसे जैसे छोटे किसानों को जैसे शिखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनके जरूरतों के हिसाब से खेती बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है जो शिखर की है, ठीक है। भारत में 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। इससे ऐसे किसानों गांव के अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना आदि, ठीक है। हम लोगों ने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना, शहद निकालने और उन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर में के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाके में हम देखते हैं कि पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए। आइए अरुणा परिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। नागालैंड की सेडीनुमा खेती है, ठीक है। यह एक गांव है जिसका नाम है चेजामी। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छी जगह है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठा मिलकर पहाड़ के हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक कि काम खत्म नहीं हो जाता है। अब हम लोग बात करना था मछली पकड़ने वाले परिवार के बारे में। अरुणा और पारिवेलन। पुदुपेट कलपट्टू से थोड़ा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होता है। वहां चारों ओर जल केटा मरेन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव होती है की पंक्तियां दिखाई देती हैं। देखिए सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमी रहती है। इस समय सारे कैटामरेन मछलियां पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठित हो जाती हैं। इनका पति परिवेलन है। इनके भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। ये बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामरेन में इकट्ठी समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियां पकड़ी गई उनमें से इन्होंने परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूं दी। इन्होंने इन नीलामी से जो पैसा इन्हें मिलता है वह 4 भागों में बट जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों के में बट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूंकि जाल कैटामरेन और उसका इंजन इनके पास है तो वह हिस्सा भी इन्हें ही मिल जाता है। इन्होंने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा जो कैटामरीन में लगा हुआ है।
इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज्यादा मछलियां मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियां खरीदती हैं, वे टोकर टोकर भरकर पास के गांव में बेचने के लिए जाती हैं। कुछ व्यापारी भी जो शहरों की दुकानों के लिए मछलियां खरीदते हैं, दोपहर 12 बजे तक ये नीलामी का काम निपटा चुक पाती हैं। शाम को इनका पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जाते, क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। ठीक है, ये देखिए एक औरत जो मछली बेच रही है स्थानीय बाजार में। ठीक है, इन महीनों में ये व्यापारियों से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण ये इन्हें मजबूरी में उसे व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और ये खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते हैं। एक खाली महीने कांटा मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण यहाँ बड़ा नुकसान हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं, कुछ अन्य काम करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल है, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई, कटाई। फसल अच्छी हो तो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन रीतियों में के इर्द गिर्द ही चलता है इनका। बुआई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं, दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसल उगाते हैं, फिर भी उनके जीवन की परिस्थिति में और उनकी समस्याओं में काफी समानता हो पाते हैं। लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं, कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने, बाजार में बेचने के लिए भी फसल उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है, जिससे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है, फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार, अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं, फिर भी ज्यादातर छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये पूरा आपका अध्याय आजीविका चलाने पर केंद्रित था कि लोग अपना जीवन की पूर्ति करने के लिए कौन कौन से काम करते हैं। ठीक है, देख लीजिए ये आपके क्वेश्चन हैं और एक दो बार आप सुनेंगे आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ये चैप्टर कहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ठीक है, इसमें पूरा क्लियर दिया गया, इतनी ना तो इतनी कठिन भाषा आएगी आप समझ ना पाए।